कल हमने देखा था, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सर सीखा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये सर कल का हमारा टॉपिक था। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीजें, किन किन क्वेश्चनों का जवाब देने लायक हो गए? तो पहला क्वेश्चन जिसका हम लोग कल जवाब देने लायक हो गए प्रीवियस लेक्चर में, कि टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर कौन कौन से हैं। अगर हमसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, तो हम लोग बता पाएंगे, कि सर वो दोनों टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर कौन कौन से थे। एक कॉमन वाला था और दूसरा कौन था, सिस्टमैटिक वाला। कॉमन या ट्रिवियल और सिस्टमैटिक वाला मतलब जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन का तो जवाब हम लोग देने लायक कामयाब हो गए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग बता पाएंगे कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म अगर हमसे वो पूछ ले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। ये भी हमको याद है, और मैंने आपको बताया था बीच में ऑफ होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ना कि फॉर। ये भी क्लियर हो गया सर, दो चीजें हमको क्लियर हो गई, दो क्वेश्चनों का जवाब क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग जान पाए कल वो था कि पार्ट्स ऑफ मतलब आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें एक मतलब पार्ट्स ऑफ नेम, नेम ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कितने पार्ट्स थे। टोटल चार पार्ट्स थे, याद आ रहा है? और वो चार पार्ट्स कौन कौन से थे? वो चार पार्ट्स थे हमारे ऑर्डर में जो भी था आपको याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सफिक्स। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग क्या जान पाए, अगर कोई हमसे पूछ ले कि ये सब तो खैर नहीं पूछेगा, जैसे कल को हमसे कोई ये पूछ सकता है कि प्रीफिक्स में लोग ये पूछ लेते हैं कि जैसे इस प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, इस प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, सेवन इन, तो हम लोग जानते हैं इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं, इसको प्रोपाइल कहते हैं। तो ऐसा लोग पूछ सकते हैं कि प्रीफिक्स का क्या कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद हम लोग एक और चीज जानने में कामयाब हुए कल के लेक्चर में, वो क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कौन कौन से रूल्स थे, ये भी सर हम लोग कल जान गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज हम लोग जाने, वो आईयूपीएसी नेम ऑफ सम कंपाउंड्स, जिसमें पेपर में आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा इस चीज के होते हैं। ओके, और दूसरे नंबर पे जो चांस होते हैं सबसे ज्यादा आने के, वो कहां गया, हाँ इसी चीज के होते हैं, और वो रूल्स आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म जान जाइए एक बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ओ सॉरी, फॉर नहीं, ऑफ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये रहा आईयूपीएसी के फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज सबको मैं मान के चलता हूं क्लियर रही होगी, क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था जहां पे दिमाग है। चलिए, सो लेट अस रिवाइज सम कॉमन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इस चीज का नाम क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस चीज का नाम क्या होगा, तो कोई मुझे बता सकता है इस चीज का नाम क्या होगा? तो इस चीज का नाम होगा, अगर हम लोग कल का लेक्चर देखें तो सर, इस चीज की नंबरिंग मतलब सारी चीजें तो क्लियर है। सबसे पहले ये रहा सब्सिट्यूएंट ग्रुप, और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन होगी तीन वाला, नंबरिंग इधर से शुरू कर दिया 1 2 3, तो सर 2 लिखूंगा, फिर हाइफन लगाऊंगा, सब्सिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखूंगा यानी प्रीफिक्स लिखूंगा मिथाइल, और तीन कार्बन एटम है, ये रहा सर प्रॉप, ये रहा एन, यानी हमने तीनों पार्ट लिख दिए। ओके, हमने लिख दिया ये रहा सर प्रेफिक्स, ये रहा रूट वर्ड,
और ये रहा प्राइमरी सफिक्स। नाउ अब मुझे देखते हैं कि इस चीज का नाम क्या है। इस चीज का नाम तो कोई भी बता देगा, इस चीज का नाम क्या है? यस, तो इसका भी नाम हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सर इसका नाम होता है इथीन होता है। ओके, नाउ हियर इज द थर्ड वन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3CH2CH2CH2C CH। इसका नाम क्या होगा? अब अगर इस चीज को देखूं तो सर इस चीज में बस कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि नंबरिंग मैं इसको चार्ट करूंगा यहां से, जहां भी डबल वाला बॉन्ड पहले पास होता है वहां से करूंगा। 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं, तो आप सोचेंगे कि वन पे देखिए कभी भी ये जो पोजीशन होती है ये किसको दिखाती है और ये क्यों वन इन में क्या अंतर होता है बताऊंगा। यहां पे हम लोग नाम लिखेंगे सर, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं कार्बन है 6 तो हेक्स होगा और प्रेफिक्स लगेगा नहीं, रूट वर्ड हेक्स है और कितने हैं टोटल कितने हैं इन, तो HEXEHEEN इसको मैं बोल दूंगा हेक्सीन, ठीक है। और बाकी कई जगह आप इसको वन हेक्सीन भी पाएंगे तो, और कई जगह आप हेक्स वन इन भी पाएंगे, लेकिन कभी भी अगर पहले नंबर पे ही हो तो आप हेक्साइन नॉट हेक्सीन हेक्साइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये करिएगा, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने हेक्सेन लिखा है वो सब गलत है, इसका रियल में आंसर हेक्साइन ही होगा। ओके, चलिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। नाउ चौथा, ठीक है, और इस चीज का चलिए नाम हम लोग लिखते हैं CH3CH2CH3CH3। इसका नेम क्या होगा? तो इस चीज का नाम होगा, तो हम लोग नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग किधर से कर सकते थे, हम लोग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते थे, राइट लेफ्ट टू राइट भी कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पे पहले आ रहा है, इधर से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है और तो ये तीसरे चौथे, और इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला मैं नहीं लूंगा, मुझे पहला पांच है तो टू, फिर हाइफन लगाऊंगा, टू पे कौन सा प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में है मिथाइल तो मैंने लिख दिया मिथाइल। उसके बाद होगा रूट वर्ड, यानी सबसे लंबी चैन में चार एटम तो मैं लिख दिया ब्यूट, मैंने क्या लिख दिया ब्यूट, और उसके बाद प्रेफिक्स सब सारे सिंगल बॉन्ड यानी एन, यानी नाम हो गया 2-methyl-butane। सो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें बस आपको चीजें क्या क्या ध्यान देनी है मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों का सबसे पहले ध्यान दीजिए। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि एक चीज होती है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। एल्केन का आप जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का आप जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था CnH2n+2 होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। और दूसरी चीज जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, यानी एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और काम की हमारी बात ये है कि सर इसमें जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स जो यूज होता है वो होता है ANE, सफिक्स कौन सा यूज होता है, एन होता है। ओके, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज होता है इन, ये समझना था कि एल्केन का सफिक्स एन होता है। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है एल्कीन, जो दूसरे नंबर पे है एल्कीन। एल्कीन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n। ओके, ये जनरल फॉर्मूला था। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड होता है, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं ये चीज क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है डबल बॉन्ड है, और यहां पे जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो कौन सा है, यहां हम लोग सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, इन यूज करते हैं एल्कीन में, ठीक है।
यहां तक भी सर हम लोगों को क्लियर हो गया। अब मूविंग टू द तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे जो चीज होती है वो एल्काइन होती है, ठीक है। एल्काइन में क्या क्या अब हम लोग करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला कितना होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, इसका सर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C(CCC), वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है आइन, ठीक है। C(CCC) सफिक्स, इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स इसका है हाँ YNE, इसमें सफिक्स आइन लगता है, बस कुछ नहीं है, बाकी कोई कहानी नहीं है इन तीनों तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग चीजें समझ गए। अब हम लोग चौथे नंबर पे जो चीज पढ़ते हैं उस चीज को हम लोग नाम देते हैं हेलो एल्केन्स। अब देखिए यहां से थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, हेलो एल्केन्स। अब कहीं भी अगर हेलो लगे, यानी अब देखिए यहां पे हेलो एल्केन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो वो होगा CnH2n+1, ठीक है, और साथ में लगेगा X, क्या लगेगा, X लगेगा। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अब हेलो मतलब होता है या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, समझ गए। हेलो ग्रुप मतलब वो जो नोबल गैस के बगल में है सारे, वो हेलो फैमिली है। उसके बाद जब मैं IUPAC नेम लगाऊंगा, अब यहां पे देखिए आपको ध्यान क्या देना था, यही चीज आपको यहां पे समझनी है। अब मैं यहां पे बोला कि IUPAC नेम हेलो एल्केन का मैं कैसे लिखूंगा, IUPAC नेम, और ये चीज आपको पता नहीं है तभी आप नाम दे पाएंगे, ठीक है ना। यहां बोला है कि देखिए एड प्रेफिक्स टू द नेम ऑफ एल्केन, यही कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है ना। एड क्या करना है, एड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एड कर दीजिए टू द नेम ऑफ एल्केन, टू द नेम ऑफ एल्केन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। और पहला काम ये करिए, और दूसरा पोजीशन भी उसकी मेंशन करनी पड़ती है, पोजीशन भी उसकी मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। मुझे किसी ने बोला कि उसके पास एक चीज है जो क्या है, वो है CN, नहीं ये मत करो, किसी ने बोला मेरे पास ये है C2H5Cl, यानी अगर आप इसको समझ पाएंगे तो दो कार्बन है और H5 है, H5 मतलब क्या हो गया, H5 मतलब हुआ 1 2 3 4 5, H H H H H और एक Cl है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां लगा दिया Cl। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये चीज जो है यही आपका इसी का, तो अब इसका नाम रखना है ना, इसका नाम रखना है। तो IUPAC ने क्या बोला, IUPAC ने बोला कि इसका नाम आप कैसे रखेंगे, तो यहां देखिए रूल IUPAC क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एल्केन के आगे प्रीफिक्स लगा दीजिए। अब ये चीज क्या है, क्लोरो, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लोरो, और यहां पे क्या है इथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन, क्लियर। अनदर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन, वो दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए C3H7Cl है, इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है इसका नाम क्या होगा, तो तीन चीजें हमारे सामने हैं, तीन, ठीक है। इसको मिल गए सर कितने हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये, तो एक लग जाएगा सर यहाँ पे क्लोरीन, बाकी सारे क्या लगेंगे, बाकी सब हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो सर आपने बताया इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एड प्रेफिक्स, प्रेफिक्स लगाइए। अब प्रेफिक्स क्या होता था, प्रेफिक्स होता था कि जो एक्स्ट्रा ग्रुप सब्स्टिट्यूट लगा होता था, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्लोरो, क्लोरो रूट वर्ड हुआ प्रॉप और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। चलिए अब मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई क्योंकि ये IUPAC नेम है, और ये कौन सा नेम है, ये भी IUPAC नेम है। अगर
इसी चीज का मैं कॉमन नेम पूछूं, कॉमन नेम, तो बच्चे यही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं पेपर में, इसीलिए ये चीज बताना जरूरी था, कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। अब देखिए, आपको ये नाम देख के लग रहा होगा कि ये आईयूपीएसी नेम है, और अगर इसका कॉमन नेम बोला जाए तो इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर सर? अब बहुत ध्यान से समझिए। नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये है कि C3H7Br का मैंने पूछा कि व्हाट इज, क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, और मैंने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दिया ब्रोमो प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने प्रोपाइल ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने प्रो पाइलो ब्रोमेन, चौथा ऑप्शन मैंने दिया प्रोपेन ब्रोमाइल। इन चारों में से कौन, ब्रोमाइल, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही आंसर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन नेम पूछा है, फंस गए ना आप लोग, कॉमन नेम, यही ये लोग एग्जाम में करते हैं, पूछेंगे कॉमन नेम, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रटा हुआ है, नहीं यार ये तो आईयूपीएसी नेम है। वेरी गुड कृष्णा, यू आर राइट, प्रोपाइल ब्रोमाइड है कॉमन नेम, समझ गए? हाँ, यहां समझने वाली बात ये है कि देखो, अगर कोई चीज हेलो एल्केन है, अगर कोई चीज हेलो एल्केन है, तो हमको हेलो एल्केन के टारगेट, हेलो एल्केन मतलब जिनके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से है, तो मेरा एम है कि मुझे हेलो एल्केन का नाम देने है, यानी जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहने का मतलब या तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से एक चीज होगी, और एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो हेलो एल्केन हो गया। तो कह रहे कि अगर कोई हेलो एल्केन के दो नाम मैं दे सकता हूं, एक नाम होगा कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी का नेम, दो तरीके के नाम होते हैं। अब आईयूपीएसी कहता है कि अगर मेरा नाम देना है तो पहले आप लिखिए प्रेफिक्स, बाद में आप लिखिए एल्केन, ये आईयूपीएसी ने बोला कि आपको ये करना है, ये मेरा रूल है, मुझे नाम में ये चाहिए। तो जैसे ये सामने दिख रहा है तो पहले मैंने लिख दिया क्लोरो, क्योंकि क्या है प्रेफिक्स क्या लगेगा, क्लोरो, और बाद में लिख दिया प्रोफेन, यानी एल्केन कौन सा था, तीन बॉन्ड था तो एल्केन हो गया। अब आईयूपीएसी कहता है, अब कॉमन नेम रखने के लिए इसका क्या होता है, तो हमने बोला कि जितने भी वो हैं, जो भी एल्केन है, आप पहले लिखिए एल्काइल, जितने भी प्रो जो भी है, जैसे अगर तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, दो है इथाइल, एक है तो मिथाइल, और लास्ट में जो भी हेलोजन है, जो भी हेलोजन है उसके लास्ट में आइड लगा दीजिए, IDE आइड लगा दीजिए। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा दीजिए, क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लगा दीजिए, आयोडीन है तो आयोडाइड लगा दीजिए। ओके क्लियर? तो यहां पे जो मेरे पास एग्जाम्पल था, तो क्वेश्चन में देखिए बार बार ध्यान में, क्वेश्चन में कॉमन नेम पूछा है, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा आईयूपीएसी। अब मैंने बोला कि यहां ब्रोमो लिखा है फिर प्रोपेन लिखा है, यानी सबसे पहले हेलो हेलो लिखा है फिर एल्केन का नाम लिखा है, तो सर हेलो और एल्केन का नाम, ये तो रूल सर यहां पे दिया हुआ है, यानी प्रीफिक्स में हेलो लिखना फिर, यानी ये तो आईयूपीएसी का रूल है, तो यहां से मैं क्लियर हो गया कि ये पहला वाला कौन फॉलो कर रहा है, आईयूपीएसी का कर रहा है। अब कॉमन नेम में क्या, यानी शुरुआत में अगर एल्काइल लिखा हुआ है और बाद में हेलोजन का नाम प्लस आइड लिखा हुआ है, तो ये कॉमन नेम हुआ,
और मैं जानता हूं कि ऐसी चीज और ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। क्लियर? सही। तो इस तरीके से एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बोल दिया कॉमन नेम, अगर ये एल्काइल हेलो एल्केन का ऐसे लिखना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी, और बिल्कुल भी मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, वॉट एवर द कॉज विल बी। चलिए, तो इस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप और हमने, टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े? तो हमने पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया सर एल्केन, एल्केन हमने पढ़ लिया, हमने एल्कीन पढ़ लिया, हमने एल्काइन पढ़ लिया, हमने हेलो एल्केन पढ़ लिया, और इन चारों का नाम लिखना मुझे बहुत ही अच्छे से आ गया। नाउ मूविंग टू अगला, अगला मेरे पास क्या है सर? अगला मेरे पास है एल्कोहल। अगला क्या है तुम्हारा? फिफ्थ वाला, जिसको मैं कहता हूं एल्कोहल, एल्कोहल। अब फिर मैं देखता हूं एल्कोहल के बारे में मैं क्या क्या जानता हूं। मैं जानता हूं इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1OH, क्या साथ में लग जाता है? इसमें OH लगता है अलग से, ठीक है सर। और कई लोग इसको ROH भी कहते हैं, ROH। R कहने का मतलब इतना लिखना ना पड़े, बस समझ गए ना, इस चीज को बचाने के लिए ROH है, बाकी कोई अलग चीज नहीं है इसमें, ओके। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इसमें, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसमें है OH, ठीक है। और अगर मैं इसका सफिक्स बोलूं, इसका सफिक्स क्या होता है? ओल, सफिक्स होता है इसका, ओल होता है। अब मैं देखता हूं आईयूपीएसी ने रूल क्या बोला, आईयूपीएसी का रूल समझना बहुत जरूरी है। अब आईयूपीएसी ने हमसे बताया, उसने बोला कि जो एल्केन में, जो भी एल्केन में ई होता है उसको काट दो, और एल्केन में, देखो आईयूपीएसी ने बोला कि एल्केन में ई काट दो और ओल जोड़ दो और हो जाएगा एल्केनोल, ये उसने रूल बता दिया, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट उसने बोला कि मेंशन पोजीशन, मेंशन पोजीशन ऑफ ओएच ग्रुप, यानी जिसको आप लोग हाइड्रोक्साइल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल भी कई लोग बोलते हैं, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन भी बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बेसिक एग्जांपल्स, जैसे कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसका नाम है C2H5OH। अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम देना है, तो मुझे पता है कि इसका आईयूपीएसी नेम अगर OH नहीं होता तो ये क्या होता, ये C2H6 होता अगर OH नहीं होता, यानी ये क्या होता, ये हेक्सेन होता, ये हेक्सेन होता। क्यों हेक्सेन होता? क्योंकि सर CnH2n+2, मतलब ये हेक्सेन होता। तो अगर ये हेक्सेन होता तो आईयूपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी ये क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हेक्सेन नहीं होता, हाँ ये क्या होता, ये इथेन होता, ये क्या होता, ये इथेन का है। तो आईयूपीएसी ने बोला कि अगर OH लगाया तो E को हटा दीजिए, OL को जोड़ दीजिए, और जो नया नाम बन गया वो बन गया इथेनॉल। ये नाम क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो ये तो था सर आईयूपीएसी के लिए। अब एक और चीज, अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या होगा, अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या रूल है? तो कॉमन नेम लिखने का रूल ये है सर कि इसको हम लोग लिखते हैं एल्काइल, एल्काइल एल्कोहल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्कोहल। यानी अगर इस चीज का कॉमन नेम, ये तो सर रहा आईयूपीएसी नेम, ये तो इसका रहा आईयूपीएसी नेम, अगर इसका कॉमन नेम लिखना होता तो मैं लिखता इथाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होता? इथाइल एल्कोहल। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन एक हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर, कि एक चीज दिया हुआ है कि सी थ्री
H7OH का कॉमन नेम क्या होगा? What is the common name of this compound? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, तीसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है प्रोपेन, प्रोपेन अल्कोहल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोपेन, प्रोपेन अल्कोहला, अल्कोहला, प्रोपेन अल्कोहला। तो बताइए क्या नाम होगा? यस, क्योंकि सर यहां पे पूछा हुआ है कॉमन नेम, और कॉमन नेम का अभी हमने देखा कॉमन नेम में पहले अल्काइल लिखा जाता है, बाद में अल्कोहल लिखा जाता है, पहले अल्काइल लिखा जाता है बाद में अल्कोहल लिखा जाता है। तो इसका कॉमन निकले यानी तीन कार्बन, तो पहले प्रोपाइल लिखा जाएगा और इसकी जगह अल्कोहल लिखा जाएगा और नाम होगा इसका प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा? प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो ये था सर हमारे पास अल्कोहल। छठवें नंबर पे हमारे पास जो चीज आती है वो चीज कहलाती है एल्डिहाइड। छठवें नंबर पे जो हमको पढ़ना है वो है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड भी वैसे ही है सर, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+1 और बाद में साथ में है CHO, यानी क्या होता है CHO। यहां लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, CHO एकदम अलग चीज है। ओके, इसको रिप्रेजेंट कई लोग RCHO से भी करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका ये जो CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? CHO है। उसके बाद इसमें जो सफिक्स यूज होता है, जो सफिक्स यूज होता है वो है AL, सफिक्स यूज होता है AL। और IUPAC ने एक बहुत आसान सा रूल बताया है, IUPAC ने बोला कि जो भी एल्केन होगा उस एल्केन का ई हटा दीजिएगा, उस एल्केन का ई हटा दीजिएगा और AL जोड़ दीजिएगा, AL जोड़ दीजिएगा और नाम लिखा जाएगा एल्के नल। नाम क्या लिखा जाएगा? एल्के नल, ठीक है। अब यहां पे फिर आ गया कॉमन, फिर यहां पे आ गया कॉमन नेम। अब यहां पे कॉमन नेम बोला कि भाई मेरा भी कुछ रूल होना चाहिए, तो लोग बोले तुम ऐसे भी कॉमन हो, तुम्हारा कितना रूल चलेगा। तो लोगों ने यहां पे बस हम चार चीजों का नाम याद रख लेंगे ताकि हमको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, और हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो सी एच, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो जनरल फॉर्मूले में 1 तो सी एच 3 सी एच ओ, उसके बाद सी टू एच 5 सी एच ओ, है ना, और एक और लेता हूं मैं C3H7CHO, ठीक है, और एक लेता हूं C4H9CHO। ये चार चीजें हैं मेरे पास, इन चारों का बस मुझे कॉमन नेम पता होना चाहिए। अब देखता हूं मैं मिस्टेक कहां करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास अगर मैं इस चीज को बोलूं H सी एच ओ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका मुझे आईयूपीएसी नेम जानना है, इसका मुझे जानना है आईयूपीएसी नेम। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को मैंने अलग कर लिया, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो, और यहां पे एक ही कार्बन है पूरी कहानी में, तो आईयूपीएसी ने बोला कि सबसे पहले आप लिखिए मीथेन। अब देखिए यहां पे बस इसी में ये रूल काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करेगा।
फिर उसने बोला ई को हटा दो, अल को जोड़ दो और इसका नाम हो गया मिथेनल। नाम क्या हो गया? मिथेनल। ओके, अब अगर मैं ले लूं CH3 CH3 CHO, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो सर सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को अलग करूंगा। फंक्शनल ग्रुप को मैंने अलग कर दिया और देखा कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए इथेनल। ओके, अब अगर मैं ये ले लूं, अगला चीज ले लूं, मैं क्या चीज, CH3 CH2 CH O, इसका क्या नाम होना चाहिए? पंचम ग्रुप को अलग किया, इसका नाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इसका नाम होगा प्रोपेनल। अल 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 मतलब LDI। और अगर चार है, चार ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 और CH OO, तो क्या होगा? CH CH OO। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप अलग कर लिया और ये चार हो गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ब्यूटेनल, ये हो गया ब्यूटेनल। अब हमको ध्यान देना है कि पेपर में अगर कॉमन नेम आता है तो इन चारों का हमको याद रहना चाहिए। अगर चारों का याद नहीं है तो आपका फ्री का नंबर चला गया। तो इनके कॉमन नेम हम लोग RCHO क्या है, देखिए ये R मतलब बस ये हुआ, इस इतना बड़ा हम लोग लिखने से बचने के लिए R लिख देते हैं। मेरी बात समझ गए? जैसे अगर CH3 CH3 है तो इसमें ये जो चीज है यही R है, बस इस चीज से हम लोग बचने के लिए आर लिख देते हैं। क्लियर? आर मतलब एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप आर है। अब इनके नाम याद रख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं, अब देखो फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म, फॉर्म मतलब चार और लास्ट में लिख देंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा लोग? इसका नाम होता है एसीटा, एसीटा एल्डिहाइड, एसीटा एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपियो, प्रोपियो नल्डिहाइड, प्रोपियो नल्डिहाइड। और इसका नाम होगा ब्यूटाइरा, ब्यूटाइर, BUTYR, ब्यूटाइर एल्डिहाइड, ब्यूटाइर एल्डिहाइड। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है? ध्यान देने वाली चीज ये शब्द है फॉर्म, FORM, फॉर्म। ध्यान देने वाला शब्द क्या था? FORM, फॉर्म। ACET, बस ध्यान देने वाला शब्द इतना ही था, ACET। प्रोपियो, प्रोपियो, प्रोपियोन, प्रोपियोन, ठीक है, और ब्यूटाइर। और यहां तक क्या शब्द था ध्यान देने वाला? ब्यूटाइर। तो ये चार बस याद रखिए, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछ सकता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करें, चलिए एक एमसीक्यू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हमको दिया हुआ है CH3 CH2 CH OO। क्वेश्चन पूछा है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोपेनल, प्रोपेन अल, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रो पेनो एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन देगा, ठीक है, प्रो पाइर एल्डिहाइड, और चौथा ऑप्शन देगा
प्रोपियॉन एल्डिहाइडल, प्रोपिनॉल एल्डिहाइडल। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4? तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है देखते हैं, फोर्थ सब क्या हो सकता है। देखिए प्रोपेनल, प्रोपेनल तो सर आईयूपीएसी नेम है, तो प्रोपेनल तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। प्रोपेनो यहां लगा है एनो, एनो तो नहीं लगता है सर, ये तो हम जानते हैं। और पीवाई प्रोपाइल भी नहीं लगता है, क्योंकि आयर सर ब्यूटाइल में लगता है। प्रोपियोन इन लगता है, यानी चौथा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहां पे मैंने लगा दिया था एल एल्डिहाइडल, तो यानी इसका कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। इसका पांचवा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो अगर नन ऑफ दीज है तो सर इसका ट्रू आंसर क्या होगा, स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, प्रो पियोन एल डी हाइड। यहां पे ए एल लगा दिया था, तो ध्यान रखिए चीजों का। अब अगली चीज जो मुझे पढ़नी है वो है सर कीटोन, उसको मैंने नाम दे दिया, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। 7 जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया कीटोन। अब सर कीटोन का फॉर्मूला क्या है, तो सर कीटोन का भी फॉर्मूला वैसा ही है, CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 CO, ठीक है। और कई जगह सर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा CnH2n प्लस 1 CO, और आपको ये कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा RCO R डैश, ठीक है। चलो अब R डैश क्या होगा, आर डैश आप जान रहे हैं कि यहां पे आर डैश का मतलब ये हुआ CnH2, मतलब यही वाला हुआ CnH2n plus 1, CnH2n plus 1, अभी समझेंगे क्या चीज। चलिए ये तो जनरल फॉर्मूला सर। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, ये चीज है इसमें फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप है CO है, ओके। सफिक्स क्या यूज होता है, सफिक्स होता है इसमें यूज ओन, ओ एन ई वन, कीटोन ओन ओन ओन, ठीक है, ठीक है ये। अब आईयूपीएसी क्या कहता है, अब आईयूपीएसी की भी सुन लेते हैं। आईयूपीएसी ये कहता है कि जो भी एल्केन होगा उसमें से ई हटा देना और ओन जोड़ देना और वो बन जाएगा एल्कोन। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई को हटा के वन लिख देना, ई को हटा देना एल कैन ओन, ई को हटा के ओन लिख देना एल कैन ओन, वेरी गुड, ई को हटाइए और ओन लिख दीजिए, ओके सर। तो यहां पे मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनको मैं देखता हूं, मान लो मेरे पास, अब देखिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब मेरे पास सर क्या चीजें थी, अब मुझे, अब कॉमन नेम वाले बोले भाई हमारे लिए भी कोई रूल बताओ, तो यहां पर भी हमको कॉमन नेम याद ही करना है जैसे हमने याद किया हुआ। जैसे अगर मुझे दिया हुआ है पहला वाला CH3C डबल बॉन्ड O CH3 दिया हुआ है, ओके, तो इसका नाम होगा, अब देखिए अब एक नाम होगा इसका कॉमन वाला और एक होगा इसका आईयूपीएसी वाला, एक कॉमन होगा एक आईयूपीएसी होगा। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम, अब देखिए दो दो, अब इसको अगर आप सीओ को हटा दें, सीओ को हटा दें तो यहां पे एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है, तो दो कार्बन जब भी होता था तो हम लोग एसिड शब्द लगाते थे ना, एसिड ओन, लेकिन एक्चुअली में आईयूपीएसी ने इसका नाम बोला है तीन कार्बन के हिसाब से, आईयूपीएसी इसको 1, 2, 3 कार्बन बोलेगी, तो आईयूपीएसी इसका नाम देगी प्रोपेन ओन, प्रोपेन ई हटा के क्या लगा दिया ओन, प्रोपेनोन, ओके, प्रोपेनोन क्या करेगी वो, प्रोपे
नॉन करेगी। अगली चीज अगर मैं समझू जैसे कि क्या चीज, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका क्या है कॉमन नेम। अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम तो सर समझ गए, ब्यूटे, ब्यूटेन ई हट जाएगा तो ब्यूटे नॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटे नॉन हो जाएगा। लेकिन इसका कॉमन नेम देखो क्या है, कॉमन नेम कैसे रखा गया है, इस तरफ है इथाइल, इस तरफ क्या है सी टू एच फाइव है, और इस तरफ क्या है अकेला है मिथाइल। तो पहले इथाइल है इधर मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है कि एम आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है कि एम आता है, हाँ तो ई आने की वजह से इसका नाम है, इसका नाम रखा गया इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन इसको नाम दे दिया गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे अगर मेरे पास एक वो है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, ये सबसे ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के इसी के सी एच थ्री, तो आप देखिए आपने ध्यान दिया कि इसके दो तरफ है, सीओ के एक तरफ ये है जैसे यहां पे था ना कि दो तरफ होंगे, एक तरफ ये होगा एक तरफ ये होगा, तो यहाँ सी एफ की एक तरफ है, अगर सिंगल है तो मतलब मिथाइल है, और यहां पे कितने हैं तीन है, तीन मतलब क्या है प्रोपाइल है, सिंगल मतलब इथाइल है और तीन मतलब प्रोपाइल है, तो इसका पहले एम आता है कि पहले पी आता है, पहले एम आता है कि पी आता है, भाई एक मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, एम आता है कि पी आता है पहले एम आता है, तो इसका नाम हो गया सर मिथाइल, इसका नाम हो गया आपका मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ओके। और इसको हम लोग कहेंगे, अब देखिए यहां पे कहानी में, अब यहां पे थोड़ी सी चीजें जो हमको पता होनी चाहिए, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट, नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, नो इसका नेम पेंटानोन नहीं होगा, पहले बात बताइए नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट, यस जहां पे फंक्शन ग्रुप आता है उधर से हम लोग स्टार्ट कर देते। अब देखिए इधर से इसकी पोजीशन अगर मैं इधर से गिनूं, एक दो तीन चार, ये चौथे नंबर पे है, और अगर मैं इधर से गिनूं राइट टू लेफ्ट तो एक दो तीन चार पांच, तो इधर से दो पास पड़ रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं ये वाला ले लूंगा, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, आप बोलेंगे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, याद करिए सबसे पहले मैं पोजीशन लिखता हूं, तो टू डैश टू, फिर हाइफन, फिर मैं लिखूंगा पेंट, पेंटेन होता है ना पेंटेन, ई हट गया लग गया ओन, टू पेंटेनोन, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, वो एग्जांपल क्या है, अगर मेरे पास सामने है सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है, और ये है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में कई लोग क्या करते हैं मिस्टेक, जो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है, सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग नंबरिंग कर देते हैं, देखिए कई लोग इसमें गिन लेते हैं एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन, तो लोग कहते हैं ये हो गया पेंट, मतलब पांच कार्बन है तो उन्होंने बोल दिया कि इसके आगे लिख देते हैं पेंट, पेंट ए, एक मिनट इसमें कितने कार्बन है, इसमें है पांच कार्बन, मैंने लिख दिया पी ई एन टी ए एन, ई हट गया ओ ओ एन ई पेंटोन, लेकिन अगर ये पेंटोन है, अगर आप सही हैं, मान लेते हैं आप सही हैं, तो ये क्या हुआ,
अगर मैं यहां पे लिखू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री, ये क्या हुआ भाई? अगर ये ग्रीन वाला क्या हुआ? अगर सर पहला वाला पेंटोन है तो दूसरा वाला भी तो पेंटोन हुआ, हुआ कि नहीं? हो गया। अगर पहला वाला पेंटोन है तो दूसरा वाला भी पेंटोन हुआ, हुआ। इसमें भी सर पांच कार्बन हुए, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम अब शुरू करेंगे नंबरिंग। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं राइट टू लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं एक दो तीन चार पांच, तो हमने देखा कि कीटोन वाला हमेशा तीसरे पोजीशन पे। ओके, तो मैंने यहां लिख दिया थ्री, फिर लगाता हूं मैं हाइफन, और फिर मैंने लिखा पांच कार्बन मतलब पेंट, पेंटेनोन, क्या लिख दिया? पांच कार्बन, ठीक है, पेंट आ नोन लिख दिया, पेंटा नोन लिख दिया, ठीक है। और टू इथाइल कीटोन इसका नाम नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे जब कॉमन लिखना रहता है तो कॉमन में मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ देखता हूं, इसके इस तरफ क्या है, इस तरफ इथाइल, इस तरफ भी क्या है, इथाइल, तो मैं ये नहीं लिखूंगा ना। अब कोई लिख कहेगा मैं लिख दूंगा इथाइल इथाइल, नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा डाई इथाइल कीटोन, क्या लिखूंगा, डाई इथाइल कीटोन लिखूंगा, क्लियर। और इसका नाम बताइए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा, दोनों क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाए तो मैंने नंबरिंग की वन वन टू थ्री फोर फाइव, तो मतलब मैं लिखूंगा, देखिए टू, फिर लिखूंगा डैश, फिर लिखूंगा पेन टेन ओ एन ई ओन, टू पेन टेन। और अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होगा तो मैं क्या देखूंगा, कॉमन नेम लिखते वक्त मैं ये ध्यान देता हूं कि एक तरफ क्या है, मिथाइल, एक तरफ है मिथाइल और दूसरी तरफ क्या है, प्रोपाइल, दूसरी तरफ है प्रोपाइल। पहले M आता है कि पहले P आता है, M N O P, पहले M आता है, तो इसका कॉमन नेम होगा सर मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्लियर। तो ये क्लियर कर लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। आप एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन क्वेश्चन हमको दिया है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, नहीं इसमें आप करिए सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच टू। अब इसका हमको नाम देना है, इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम और इसका कॉमन नेम क्या होगा, बताइए। अब देखते हैं कि इसके तरीके के आंसर क्या आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इसका होगा सर टू ब्यूटा ब्यूटेन ओन, ये होगा। अगर ये टू ब्यूटा नोन है, अगर मान ले ये टू ब्यूटा नोन है तो ये क्या है, तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाए, अगर ये टू ब्यूटा नोन है तो ये क्या है, क्वेश्चन ये बड़ा हो गया ना। समझ आया? सबसे पहले हमने समझा कि टू ब्यूटा नोन एक्चुअली में ये है, और क्यों टू है, टू सर इसलिए है क्योंकि नंबरिंग वन टू थ्री फोर, तो ये टू रहा ये, और ब्यूट इसलिए क्योंकि चार कार्बन,
और ओन इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो ट्यूब ब्यूटानोन। अब इसका क्या करें सर, तो इसमें भी वही करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब अगर इसकी नंबरिंग में करता तो मैं इसको लिखता नंबरिंग में, मैं क्या करता, मैं लिखता वन, मैं लिखता टू, मैं लिखता थ्री, मैं लिखता फोर। तो याद करिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था उस रूल में सबसे पहले मैं क्या लिखता था, सबसे पहले मैं प्रीफिक्स लिखता हूं, उसके बाद मैं रूट वर्ड लिखता हूं, उसके बाद मैं प्राइमरी सफिक्स लिखता हूं, और लास्ट में मैं सेकेंडरी सफिक्स लिखता हूं। ये रूल मैं हमेशा से जानता था, यानी यहां जब मैं नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मैंने देखा सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है, तो मैं समझ गया वो है मिथाइल, तो वो मिथाइल किस जगह पे है, दूसरे पोजिशन पे, तो मैंने यहां पर लिखा टू मिथाइल, टू मिथाइल, ओके। और अब क्या लिखूंगा, ब्यूट, टू मिथाइल ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो गया, यानी यही है ना। देखो ये रहा ब्यूटेनोन हमारे सामने, ये रहा ब्यूटानोन, ये रहा ब्यूटानोन, ब्यूटानोन कहां है, ये रहा। अगर मैं दूसरे पे CH3 लगा दूं तो ये टू मिथाइल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्लियर हुआ, क्लियर। तो इसको कहते हैं टू मिथाइल ब्यूटानोन। अब सर इसमें अब हम लोग देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल, नहीं ऐसी चीजों का कॉमन नेम आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले लिया है, यहां कॉमन नेम इसलिए नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कई लोग सोच रहे हैं कि इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल, क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और फिर ये भी पता नहीं क्या है, ये भी एक इधर है, तो कई लोग सोचेंगे इसको लिख देते हैं डाइमिथाइल, डाई मिथाइल और डाई मिथाइल इथाइल, नहीं पहले क्या आता है, ई आता है ना, तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग सोचते हैं इथाइल डाई मिथाइल कीटोन, इस टाइप का इसका नाम होगा इथाइल डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन यहां गड़बड़ ये क्या है, आपसे कभी भी इन चीजों का वो कॉमन नेम नहीं पूछेगा क्योंकि यही इसीलिए तो IUPAC बनाया गया है। अब यहां देखिए दिक्कत क्या है, अगर मैं ये वाली चीज लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और CH3 लिख दूं तो इसका नाम क्या हो गया, अगर आप देखेंगे सर तो इसका नाम ये फंस गया ना यहां पे, इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका IUPAC नेम बताइए मुझे क्या होगा, What is the IUPAC name of this compound? चलिए तो अब देखते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबरिंग जब भी हम लोग करते हैं तो मैंने आपको बताया था नंबरिंग में, अब देखिए नंबरिंग इधर से भी हो सकती थी 1 2 3 4, और नंबरिंग इधर से भी हो सकती थी सर, नंबरिंग इधर से भी हो सकती थी 1 2 3 4, लेकिन हमेशा हम लोग फंक्शनल ग्रुप को एडवांटेज देते हैं कि जो पहले है, तो नंबरिंग में ये वाली नहीं करूंगा, मैं हमेशा नंबरिंग करूंगा कौन सी 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होगा, 3 पे है मिथाइल, बस 3 पे है मिथाइल ब्यूट, ठीक है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां पे है, हाँ तो यहां पे आप सिंपल लिख दीजिए ब्यूट ओन, नहीं ब्यूट एन ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, क्लियर हो गया, क्लियर 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, वेरी गुड। चलिए इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे ये होता है कैसे वो होता है, ओके। चलिए अब